कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कारसेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्रभक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। और उनकी प्रशासन पर पकड़ के मामले में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनकी शासन और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ थी। लेकिन जब 6 दिसंबर की घटना की बात आई और उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं इसको लिए सिर्फ खुद को, अगर आप दोषी इसको दोष मानते हो तो ये मेरा है और मुझे फांसी की सजा मंजूर है। ऐसी बात कहने वाले लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते ही नहीं है। और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर से, मैं जब 11 साल की थी तब से मैं उनके संपर्क में थी। हमारे बीच में उम्र का जो अंतर था वो पिता व पुत्री का था, लेकिन मैं उनको हमेशा भाई साहब कहती थी, जबकि लोग उनको बाबूजी कहते थे। और जब यहाँ पर बीच में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उस समय पर वो यहाँ आए और उनको दिग्विजय सिंह ने बुलाया। जब मैं यहाँ की नेता घोषित हुई, उनने कहा मैं उमा को कभी नुकसान नहीं कर सकता, और इसलिए उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मेरे साथ रहा। अपूर्णीय क्षति हो गई है, मेरे को हो गई है, पिछड़े वर्गों को हो गई है, हिंदू समाज की हो गई है, राम भक्तों की हो गई है, उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा।